उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर है। अतीक की बहन को भाई के एनकाउंटर का डर सता रहा है। वो कहती है कि मेरे भाई को जान का खतरा है। आयशा नूरी अतीक की बहन अपने भाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित। मेरे भाइयों को अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए, परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है, सियासत में हम लोगों को फंसाया जा रहा है। आपको बता दें आयशा नूरी की तरफ से यह बयान। अतीक अहमद की बहन अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और जिस तरीके से आप समझिए एक वक्त पर अतीक अहमद के नाम की तूती बोला करती थी, लोग उससे डरा करते थे, आज उसके परिजनों को उसकी मौत का डर सता रहा है। अतीक एक तरफ साबरमती जेल से यूपी नहीं आना चाहता, दूसरी तरफ अतीक के जो गुर्गे हैं उन्हें लगातार चुन चुन कर मारा जा रहा है, एनकाउंटर उनके साथ हो रहे हैं और इसी बीच अतीक अहमद की बहन उनका यह साफ तौर पर कहना, आयशा नूरी का यह कहना कि उन्हें डर है कि उनके भाई का एनकाउंटर किया जा सकता है, हमें राजनीतिक साजिश के तहत टारगेट किया गया है। तो आयशा नूरी अतीक की बहन अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ अतीक अहमद को डर है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, एक तरफ उसके परिजनों को डर है क्योंकि अतीक के बेटे असद को भी ढूंढा जा रहा है। छन छन की जो खबरें आ रही हैं, असद नेपाल बॉर्डर के आसपास उसको ट्रेस किया गया है। अलग अलग जगहों पर पुलिस प्रशासन दबिश दे रही है। पिछले 10 दिनों में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, प्रयागराज की सड़कों पर 2 बार एनकाउंटर हुआ है, उस्मान एनकाउंटर में ढेर हो गया है। और उस बीच अब से कुछ देर पहले अतीक की बहन मीडिया के समक्ष आती है और बताती है अपने डर के बारे में। डर क्या है? डर यह है कि उसके भाई के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। आपको याद होगा इससे पहले अतीक की धर्मपत्नी भी इस तरीके का अंदेशा जता चुकी है। वो योगी सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। तो वहीं आयशा नूरी ने भी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधा आरोप लगाया कि सियासत के चलते उनको टारगेट किया गया है, उनके भाई की जान को खतरा है, अतीक अहमद जो कि जेल में बंद है उसे खतरा है, मेरे भाइयों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो एक तरफ डरे हुए हैं अतीक के परिजन, तो दूसरी ओर कार्रवाई बहुत तेज हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार पुलिस की कार्रवाई तेज देखने को मिल रही है। प्रयागराज में हॉस्टल पर पुलिस की छापेमारी कार्रवाई देखने को मिली। मुस्लिम हॉस्टल को सील किया गया, हॉस्टल को यूपी पुलिस ने खाली करवाया। मुस्लिम हॉस्टल में ही आपको याद होगा जैसे जैसे परतें खुली ये बात सामने आई कि मुस्लिम हॉस्टल में ही सदाकत ने किस तरीके से इस पूरे घटनाकांड को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, उसको अंजाम दिया। और अब आपसे कुछ देर पहले खबर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के साथ बड़ी संख्या में यहां पर यूपी पुलिस के जवान पहुंचे। इस हॉस्टल को खंगाला गया, इस हॉस्टल को सील किया गया। आपको बता दें प्रयागराज के उसी मुस्लिम हॉस्टल पर टारगेट किया गया जहां पर बैठकर प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी। सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मौके पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जानकारी यह है कि हॉस्टल को सील किया गया है। जी बिल्कुल रोहित, मैं बताना चाहूंगा कि अभी से आधे घंटे पहले ही यहाँ मुस्लिम हॉस्टल में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पुलिस पहुंचती है और भारी फोर्स के साथ पहुंचती है क्योंकि यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स थे और 100 से ज्यादा कमरे यहाँ पर मौजूद हैं और उन तमाम सभी कमरों को बकायदा सील कर दिया गया है, पुलिस ने सील किया है। और ये पूरा जो निर्णय लिया गया था वो पुलिस और इलाहाबाद हॉस्टल, मुस्लिम हॉस्टल की जो टीम थी उनकी मीटिंग के बाद ये तय किया गया है। यहाँ पर बकायदा सूचना भी लगाई गई है कि समस्त हॉस्टल वासियों को सूचित किया जाता है कि 5/3/2023 को प्रातः 11 बजे हॉस्टल अथॉरिटी की मीटिंग से यह फैसला लिया गया है कि वर्तमान हालत को देखते हुए, यानी कि उमेश पाल हत्याकांड को देखते हुए और जो भूमिका इस हॉस्टल की और रूम नंबर 36 की, क्योंकि सदाकत भी यहीं से गिरफ्तार हुआ था, तो सभी छात्र अपना सामान के साथ हॉस्टल खाली कर दें, इस तरह की नोटिस भी यहाँ पर चिपकाई गई है। और ये भी कहा गया है कि अब 6/3/2023 को इसको पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, यानी आज की तारीख यहाँ पर लिखी हुई है। और अब हॉस्टल के भीतर छात्र तब दाखिल हो पाएंगे, यानी कि ईद के बाद, अगले महीने के 21-22 तारीख के बाद ही हॉस्टल में अब छात्र दाखिल हो पाएंगे। रोहित, अभिषेक, मुझे याद है आप ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे थे, इस हॉस्टल से भी आपने वॉक थ्रू करके दिया था।
इस हॉस्टल से सदाकत की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंची, अब 5 से 7 दिन का गैप और इसे सील किया गया, इसके मायने क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इसकी बड़ी भूमिका थी इस हॉस्टल के पूरे उमेश पाल हत्याकांड में, और यही वजह है कि पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिली कि इस हॉस्टल के भीतर ही पूरा षड्यंत्र, पूरी साजिश और पूरा जो अपराध है उसको गढ़ा गया, रचा गया, तमाम जितने भी लोग इस पूरे हमलावर जितने थे, आरोपी थे, इस जगह पर आते थे और बाकायदा प्लानिंग करते थे, और जो मास्टरमाइंड था वो साबरमती जेल में था, इसके अलावा बरेली जेल में अशरफ था, ये तमाम लोग इस पूरे जो हत्याकांड किया गया है उसकी एक एक गुत्थी को जोड़ने का काम कर रहे थे, और हॉस्टल की बड़ी भूमिका पाई गई, इसलिए हॉस्टल अथॉरिटी मुस्लिम हॉस्टल पर कार्रवाई की गई है।